हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि ट्रेन में यात्रा करने से पहले हमें ट्रेन टिकट बुक करना पड़ता है, जिसके लिए हमें ट्रेन टिकट काउंटर पर जा कर के घंटों लाइन में खड़े होकर के ट्रेन टिकट बुक करना पड़ता है, नहीं तो किसी ऑनलाइन शॉप पर जा कर के एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद हमारा टिकट बुक हो जाता है। हालांकि 99% लोग अपने मोबाइल में अभी गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं किसी को पैसे ट्रांसफ़र या भेजने के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं जानकारी रहता है कि गूगल पे से भी हम अपने ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं कम रेट पर, वो भी अपने घर बैठे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि गूगल पे से आखिर हम कैसे अपना ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, अपना या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल पे को ओपन कर लेना है। गूगल पे ओपन कर लेने के बाद आपके सामने न्यू पेमेंट वाले ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाने के बाद आपके सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ आपको टाइप करना है ट्रेन। जैसे ही आप यहाँ ट्रेन लिखेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा बुक ट्रेन टिकट, इस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ऐसा इंटरफेस खुल जाने के बाद आपको जहाँ से आपको जाना है उस ट्रेन का नाम लिखना है, मतलब और जहाँ आपको उतरना है वहाँ स्टेशन का नाम लिखना है। यहाँ आपको अपना डेट लिखना है, यहाँ कैटेगरी चूज कर लेना है, आपको जनरल से जाना है या तत्काल जाना है। चलिए मैं करके आपको फटाफट बताता हूँ। सब चीज एंटर करोगे तो आपके सामने पूरे ट्रेन का लिस्ट खुल जाएगा कि कौन कौन सा आपके स्टेशन तक जा रहा है। आपको एक ट्रेन चूज कर लेना है टाइम के हिसाब से, जैसे कि मैं इसको चूज कर लेता हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे तो आपके सामने दिखेगा स्लीपर में आप कितने पैसे लगेगा और कितना सीट अवेलेबल है, वो पूरे आपको नीचे में दिखा दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 AC है, 2 AC है, आपको सब चीज़ एकदम क्लियर दिख देगा। हर ट्रेन का जो आपको अच्छा लगे उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ आपको नज़र आता होगा स्लीपर 385 रुपया, 20 सीट खाली है। इस वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे IRCTC का यूजर ID पूछा जाएगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि ID और पासवर्ड आपको कहाँ से लेना है। फिलहाल में अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अगले वीडियो में आपको 100% बता दूंगा। अपना ID और पासवर्ड आपको बनाने का भी बता दूंगा। आप उसके बाद अपना ID डालने के बाद ओपन वाले बटन पे डाल क्लिक करके उसके बाद आपको ये सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ नेम, यहाँ एज, यहाँ बर्थ सेलेक्ट करना है, यहाँ जेंडर इंडियन अपने आप सेट रहता है। ये टोटल आपको सेट कर लेना है। अगर आप एक से ज़्यादा पैसेंजर है तो ऐड पैसेंजर वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और वहाँ सेट कर देना है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, यहाँ आपको पिन कोड डालना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पूरे फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं तो आप जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। जैसे कि आप गूगल पे से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका पिन मांगेगा, MPIN आपको डालना है और आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा और आपके इस ईमेल ID पे पहुँच जाएगा और मैसेज भी आ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों।